सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आप अज बहुत 13 तरीक की ब्लॉगिंग आप बंद करी हुई है क्योंकि वीडियो अपने को पहले ही खासियां पई सी। तो अज आप चले हम फतेहगढ़ साहब, पहले जावे आनंदपुर साहब, फिर जिते जिते जावे थोड़ा दिखाई जावे। अज तो आनंदपुर साहब ही जावे, बाकी मिलते हैं सू चलद मोटर स्टार्ट खड़ा बैग आप मोटर टांग ही लेता स्टार्ट मैं मोटर उ लाइन लून च वग जाता नहीं तो औखा हो जाता। चलो मिलते हैं मासी बड़ा साहब पहुंचने वाले हैं। बस आप थोड़ा कि रहा इतों रह कितने गए बंदे ठंड बहुत आ भरावा मसा रुके इतने हूँ दस्ताने दस्तूने पाए करके पता भी नहीं लगता है। मैं रह पाया हो ना हो छेती निकल जाता इतों पता लग जाता। नौशाह संघ जी पहुँच गए श्री मासी बड़ा साहब गुरद्वारा गनी खां नवी खां। ये जेडे गुरु साहब ने उच्चा पीर बना के इतों लैके गए थे आलमगीर साहब तक। सात संघ जी के दर्शन कर रहे हैं गुरद्वारा गनी खां नवी खां। हुण जी आपां जाणा इधर गुरद्वारा चवारा साहब ते चरण कमल आ गए हुण चलदे। लो जी साध संगत जी आपां पहुंच चुके गुरद्वारा चवारा साहब। ये बनिया भी उच्चा होया क्योंकि उधर उधर देखो दे ढाल इधर नूं भी ढाल आ ते इधर नूं भी देखो किन्नी ढाल आ नीवीं थल्ले नूं। ये माछीवाड़ा साहब जंगली एरिया जी इह गुरद्वारा चवारा साहब माछीवाड़ा साहब हुण चलदे आ। बस देखो कि ढाल आ थले नीवे इधर भी ढाल आ जिधर असीं आए हाँ। चलते हम मत्था टेकते फिर थोनों कराने दर्शन अंदरों। ये तो हालत जी रोक के पढ़ सकते लो जी मोटर खड़ाते हूँ आप पहुँच चुके हैं गुरद्वारा चरण कमल साहब। ये स्थान आ जिथे गुरु साहब ने टंड का सराहना ला के रात कट्टी सी तो इतने गुरद्वारे साहब च चरण कमल साहब इतने बाणी उचारी सी मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। कहानी विच वेख दसता मालण हथ वेख सुई लो जी चलें इतों भी हूँ
चलो जी चकते हैं गुरुद्वारा साहब एक रह गए गुरुद्वारा कृपान भेट साहब जिथे गुरु साहब ने कृपान भेट करी थी इतने आऊँगे तो जी इतने चार गुरद्वारा साहब ने गुरद्वारा चरण कमल साहब गुरद्वारा चवारा साहब गुरद्वारा नवी खां गनी खां हम चलते हैं कृपान भेट साहब संघ जी गुरद्वारा कृपान भेट साहब ये शहर तो बाहर आ टिब्बी जी आ जोड़े रखते हैं इतने देखो जंगल जंगली सी माछी बड़ा एरिया गुरु साहब के चरण पे हुए इतने यह गुरद्वारा कृपान भेट साहब निंग सिंह सोनी लो जी पहुंच के गुरद्वारा गढ़ी साहब जिहड़ी ये गढ़ी है पहले कच्ची होंदी सी उच्चे टिब्बी ते होंदी सी नाले ते इत्थों जथा उतरदा होंदा सी थल्ले नूं ते सामने जंग चलदी होंदी सी ते इत्थों ही जथा निकल के इधर तुहानूं दिखाउने आ रास्ता सीगा इत्थों दी ऐ करके घोड़े उतरते होंगे कच्ची गढ़ी तो बहुत उच्ची थान पर बनी हुई है तो चढ़ाई देखी है जिमें गुरद्वारा कतलगढ़ साहब तो इतने जंग होंगी थले तो जो थोड़ा धुंद च गुरद्वारा साहब दी गुरद्वारा ताड़ी साहब मरदाने मरदूद उत्थे बैठा सी उतों जथे तुरते थे उन्होंने उतो मुगल हुकूमत खड़ी सी इतने लड़ाई सी आ जगह पर गुरद्वारा कतलगढ़ साहब ये उच्ची जगह पर बने होने करके तो सारा व्यू दिन हों नीमे जाके तो गुरु साहब ने ताली व्यू उ जाके मरी से जो गुरद्वारा गुरद्वारा ताली साहब तो बाकी थोड़ा इतिहास हो गुरद्वारा साहब का उ जाके दस दे वाहिगुरु तेरा शुक्र चमकौर की गढ़ी इतने गिणती दी घर सी उत्ते हुण तो पक्की करती कच्ची गढ़ी सी पहला जमा तो जिते गुरद्वारा साहब बनाया इतने एक ही कमरा सी जिते सारे जने ठहरे थे तो बाकी इतिहास देख के थोड़ा इतिहास पढ़ के थोड़ा सुना जी गुरद्वारा कतलगढ़ साहब इधर उच्ची गढ़ी रह गई कच्ची गढ़ी अमृतसर की हैरीटेज स्ट्रीट वांगू और भी दुकानों के नाम पंजाबी लिखे हुए गुरद्वारा ताड़ी साहब जेड़े गोड़ी साहब गुरद्वारा वो जो इतनी साइड दिख रहे हो गुरद्वारा थले वाली साइड गुरद्वारा कतलगढ़ साहब उत्थे इन्नी दूर आके गुरद्वारा ताड़ी साहब इतने गुरु साहब ने ताड़ी मारी सी तेनों दिखाने
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪੜ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਪਲਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਪਲਗੜ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹੈੱਡ ਸਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਕਮਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸ ਆਹ ਕੁਛ ਕਮਰੇ 'ਚ ਔਰ ਜਾਈਏ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਸੀਬ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਸੋਹਣ ਨਿਕਲ ਜੂ ਬਾਹਰ ਪੱਖਾ ਛੱਡਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਆ ਨਾ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸੁਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਡ ਸੁਰੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਸੁਰੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਢੱਡ ਸੁਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਲਓ ਜੀ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਇਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲੂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ
ये है जी किला आनंदगढ़, वो सीगा थाने दिखाने पिछे, ये भी बंद हो गया। आइडिया थले बौली साहब थले 132 पौड़ियाँ ने, ये भी बंद है। सवेरे ही खुलू सारा कुछ, मैं दिखता नहीं लगता। ये किला आनंदगढ़ थाने दिखाने, यह जी गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहब, ये किले नु घेरा पिया सी। दर्शन सवेरे करावांगे विस्तार रूप में। सत्संग जी इन्हें 84 पौड़ियां, इतने बहुत कहना जिथे बह के पाठ करते हो जपजी साहब तो 84 बारी, हरेक पौड़ी तो एक बारी जपजी साहब का पाठ, थोड़ी 84 कट्टी जाती है इतने शरदा नाल। तो ये रास्ते दी भाई जैसा जी जो असीस लेके आए थे, ये रास्ते दी आए थे जी। सेवा करके तो आप पहुँच गए हम कमरे, 11:30 हो गए। तो चलते हैं नवी वीडियो की शुरुआत, वीडियो सवेरे करा। तो वीडियो वधिया लगी तो चैनल लाइक शेयर कमेंट तो सबसक्राइब जरूर करें।